क्या लग रहा तुम्हें इसका? चांस नहीं लग रहे बिल्कुल भी? हाँ यार, घर की वृत्ति है यार, कसम से। ये तो घर का बच्चा निकला हुआ था, ये वही है ना जो अपने रात को निकाला था। है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार ये वो बच्चा है जिसको हमजा ने ना, हमजा को आवाज आई थी रात को, और पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत पुरानी जगह जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी तब ये बच्चा निकला था, सर्दियों में, सर्दियों की वीडियो होगी। और तब इसको ना यार इतना सा ही निकला था, इतना प्यारा था यार, छोटा सा। और ये हमारे पास पहला बच्चा था जो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, और इसके हद तक के अंडे भी आए और बच्चे भी आ जाते इसके, बट वही हमारे अंडे खराब हो जा रहे थे। तो यार आज इसकी कंडीशन हमें ऐसी लग रही है, बिल्कुल ही रफ। शुरू में आप लोगों ने दोस्तों जो देखा कि कैसे हमारा जो हीरा था मुर्गा मर गया रात में, और तीतरनी जो थी वो भी मर गई। तो ये एक बीमारी, बीमारी बोलने इसको, या हवा में आए, क्या हुआ है, गर्मी में आए, सब ले गई। तो बस यार दोस्तों इसी चक्कर में ना बहुत परेशानी हो गई है यार, कसम से। मैं जो मुर्गों का हमारा सेटअप था ना, उस पर बहुत दुख हो रहा है। खैर टूट गया यार ये, इसका हमने बहुत कोशिश की तो सबकी। ये बच्चा यार घर का था यार, निकला हुआ हमारे हाथ का ब्रिड निकला हुआ था यार, ये जो अपने घर की जाती ब्रिड निकलती है वो थी। खैर यार ये दो जो है कंधारी, ये देखें इसकी भी हुई हालत हो रही है, आंखें बंद, नजला शदीद इसकी भी, और इनका हमने ट्रीटमेंट प्रॉपर करा हुआ है, पर भाई ये बहुत शदीद लपेट में आए हुए सारे, नहीं बच पा रहे, बहुत शदीद। हर कोई मुझे बोल रहा आप ट्रीटमेंट, भाई हम करते हैं, बच्चे थोड़ी हैं, हमें भी पता है, हम क्यों नहीं करेंगे, हमारी चीज है यार, वो मर रही है, उसको हम ऐसे ही कुछ थोड़ी होने देंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर तीतर नहीं, देख लें आपके सामने एक दिन के अंदर झटके में चली गई, कल वीडियो में मैंने दिखाई थी कैसे, और आज देखें आप, कल ही रात ही रात में वो ठंडी पड़ गई, मर गई, और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं। खैर छत पे चलते हैं यार, बाकी जो परिंदे अब रह गए उन्हें दाना पानी डालते। चलो भाई छत पे आ गए। हाँ भाई क्या रिपोर्ट है? ये तो सही है ना, ये क्या करा तुमने? डूब लगवानी है पिंजरे में। सही है यार, ये जो है हमारे, इनका नाम क्या था यार, नाम भूल गया मैं, पिंजरा साइड कर रहा हूँ, इनका नाम क्या था? मेरे ऊपर ही आ गया, अरे यार नाम भूल गया इनका मैं, टेंशन है इतने सर पे है, नाम ही दिमाग से निकल गया। खैर यार शाम का टाइम हो रहा था तो मैं नहा धोकर आ गया, मैंने हमजा को ऊपर भेज दिया था, मैं यार तुम थोड़ा डाल वालो, मैं जब तक नहा कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरी काम से गया था, थोड़ा फंसा हुआ था। चलो यार अच्छा कर दिया हमजा ने, ये दो यहाँ आ गए, दो ये यहाँ आ गए, और एक तो वहीं है ये दो। सही, अच्छा ये तो ये पिंजरे वाले हैं ना, ये वाले पिंजरे वाले। क्या करना है इस पिंजरे को? उस तरफ रखवाना है। चलो ठीक है, तो यार इस पिंजरे को हम पहले वहाँ रखते हैं सही से, सारों को अब धूप लगवानी है और फिर ये जगह भी धोनी है, इंशाल्लाह कल धोएंगे सुबह में हम जल्दी उठ के। तो यार जितने पिंजरे थे ना हमने निकाल के रख दिए हैं, अब हमजा जो इसकी सफाई कर रहा है, क्योंकि इसकी सफाई इसलिए नहीं हो पाती थी, वो पिंजरा रखा हुआ था ना यार ऊपर की तरफ, तो इसके नीचे बहुत मुश्किलों से निकलता था कचरा सारा। खैर इसकी साफ सुथराई करके इसको भी हम वहाँ रख देंगे धूप लगाने, और ये जगह देखें सारा खाली, कैसा वीरान हो गया यार सेटअप कसम से। ये वाला यहीं रहेगा, इसमें तो सब हैं शिफ्ट अभी, तो इनको हम छेड़ नहीं सकते उस वाले पिंजरे को। बाकी सारी चादरें उतार के धूप लगाने के लिए रख दी हैं, वो रही, ये भी पिंजरा यहाँ रख दिया, इसका यार एक पाया भी टूट गया नीचे से, चादरें फैला दी हैं ताकि धूप लगे तो इनमें तो जरा सीम सारे ख़त्म हो, इनको दो तीन दिन यहीं रखे रहने देंगे हम ऐसे ही। वो इसके बच्चे का मुँह बाहर आया हुआ, वो रहा वो, देखें दोस्तों दिख रहा है आप लोगों को, ये देखें माशाल्लाह भाई, वो देखें ये रहा छोटा सा। चलो यार खुशी हुई इसको देख के, एक खुशी तो मिली है, एक खुशी तो मिली इसका बच्चा। मैं समझा मुझे डर हो रहा था मिला शायद बच्चा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे एक्सपायर ना हो गया वो अंदर, क्योंकि पता नहीं चल रहा था यार, दिखता नहीं है ना इनका। खुशी हुई यार अब भी मेरी नज़र पड़ी तो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इसका एक बच्चा सेट है माशाल्लाह यार, बार बार देख के उसको खुशी हो रही हो, देखें छोटा सा जागरा प्यारा सा, माँ जो है इसके अंदर ही बैठी हुई है। नरे अबे काट रहा, ये काटने को आता है, कट कट कट, ये बहुत खतरनाक है भाई, इनके पिंजरे में हाथ डालता हूँ ना काटने की करता है। अभी इतना नहीं करो, अभी जितना है वह बहुत है, क्योंकि देखो कितना भी उतारोगे ना, नहीं बल्कि सही है यहाँ पे फेंक दो, हाँ ये सारा गंद यहाँ फेंक दो, यहाँ से कल दोस्तों हम सारा एक ही साथ उठा लेंगे, जितना गंद है ना ये सारा पूरी एक जगह
एक साथ सफाई कर देंगे, सुकून से एक जगह पे गिर जाएगा ना गंद सारा, एक जगह साफ हो जाएगा। ये पिंजरा भी तो जाएगा, चलो यार इसको भी करते हैं फिर इंशाल्लाह। इसको लेके जा खींच, इसको कैसे ले जाऊं, चलो मैं एक हाथ से खींच के चेक करता हूं, ये आता ही नहीं आता। तेरी ये सामान है, एक हाथ से आई ना जाए मेरे अंदर का लगे अंदर क्या इसके अंदर, मैं वही तो बोल रहा हूँ ये भारी क्यों हो रहा है, उसमें ईंटें रखी हुई है और मुझे बोला खींच के ले आओ, बोलो भारी क्यों हो रहा है यार। ये एक और ईंट निकालो, तो मेरा हाथ फंस रहा है। इसको भी हटाओगे अभी? सारे पिंजरे हटा दिए, खुला कर दिया बिल्कुल सेटअप को, पूरी धूप लगाएंगे सबको सुकून से, ताकि अब जो है ना इंशाल्लाह यार, अल्लाह करे अब जो भी चीज हम आगे सेटअप करें तो यार वो खराब ना हो, इंशाल्लाह बहुत देख के रखेंगे यार चीजों को। खैर हमने कुछ भी नहीं करा, बीमारी फैलने वाली थी हमारे इधर, कुछ ज्यादा ही फैलने वाली है। चलो भाई, भाई ये भारी है, हमारा सबसे हैवीएस्ट है यार ये पिंजरा, वैसे बहुत हैवी है ये। लिया लकड़ी ऊपर और नीचे जो है वो पूरा वो खींचू कैसे, अब दोनों को धक्का लगाना पड़ेगा। ले जाओगे काम उठे थोड़ी बहुत ताकत हम ना साथ हाथ लगवाओ भाई, हैवी है यार, दिखने में लग रहा है ये हल्का फुल्का हैवी है। चल भाई कैसे आगे बढ़ाओ, इसको ऐसे रखवा उल्टा करवा के रखवा ताकि इसके अंदर धूप जाए। नहीं नहीं ऐसे ही जाएगी भाई, उसको हटाओ वहां से, इसको दीवार से चिपका दो ऐसे ही आड़ा। हाँ इसको ऐसे चिपकवा दो, धूप रखेगी ना बेटा कत्ते लगेगा, तो ऐसे रखो बहुत बहुत है। ये ले लेते हैं, तो यार सारे रख दिए हमने, जितने पिंजरे थे ना सारे निकाल लिए, ये भी वाला वाला ये वाला, पांच के पांच पिंजरे यहाँ रख दिए हैं और पूरा सेटअप खाली कर दिया है। बस उस साथ यही काम था यार हमारे को, इसके अलावा कोई भी काम नहीं था, बाकी सबको दाना पानी भी कर दिया है। बाकी इन्होंने जो खुशी मिली है ना यार इनके बच्चे को देख के, वो मेरी आज अलग ही है, जो एक टेंशन थी ना सर पे वो थोड़ी सी रिलीज हुई है इस चीज़ को देख के। खैर यार आप लोग दुआ करना है कि सेटअप जो है ना वो ऐसे ही खुशआबाद रहे, और ये जितने पिंजरे रखे ना इनमें इंशाल्लाह फिर से अच्छी अच्छी चीज़ें ला के हम डालें और वो ना फिर आबाद रहें। ये देखो बीमारी आने वाली चीज़ है, जाने वाली चीज़ है, पर हमारे हाथ में नहीं है, वो देन होती है ऊपर वाले की, वो जब जिसको दे कोई भी चीज़। बीमारी भी इंसान के लिए बनाई गई है, उतारी गई है, तो जानवरों के लिए भी ऐसे ही है सेम, तो सबके लिए बनाई जाती है। तो इंशाल्लाह अब जो है ना हम जो भी चीज़ लाएंगे उसके लिए आपने दुआ यही करनी है कि मेरा सेटअप आबाद रहे, बस ये आखिरी मेरी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल का हमेशा को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।